हेलो गाइस, आप सभी का डेली जॉब अपडेट चैनल की ओर से स्वागत है। दोस्तों, जो फर्स्ट वैकेंसी है महाराष्ट्र राज्य कामगार बीमा सोसाइटी की ओर से नागपुर से निकले, यहाँ पे डॉक्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, डायरेक्ट वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि 6 जगह टोटल वैकेंसीज ओपन हो चुके हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं विभिन्न एरिया के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जैसे कि सेवा दवाखाना पाचपावली नागपुर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके बाद बगड़गंज जे सोमलवारी पेट बुट्टीबोरी बजेरिया जी बुट्टीपुरी पुलगांव क्रमांक 2 के लिए यहाँ पे वैकेंसी, और साथ में यहाँ पे वाना डोंगरी के लिए भी वैकेंसीज है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसीज है कि इमा व अजा खुला यानी ओपन कैटेगरी के लिए और आर्थिक दुर्बल घटक के लिए यहाँ पे ऐसे टोटल 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन MBBS कम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लीकेशन सबमिट करना होगा। तो दोस्तों इनका जो एड्रेस है, वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी कार्यालय महाराज्य कामगार बीमा योजना असोलेशन हॉस्पिटल जवर इमावाड़ा नागपुर। तो ये दिए गए एड्रेस पर आपको 28 अप्रैल के पहले एक अप्लीकेशन है, वो अप्लीकेशन साथ में जो को डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अप्लीकेशन फॉर्म है। तो दोस्तों ये अप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिलअप करके इसमें जो कोई डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर आपको सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं ये दिए गए डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर, तो ये दिए गए डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों ये दिए गए एड्रेस पर आपको सबमिट करना होगा, वो भी 28 तारीख के पहले। देन उसके बाद आपका उसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको 4 मई को आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सुबह 12:30 बजे 12:30 बजे आपको जो इसका एड्रेस है वो दिएगा, एड्रेस पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों नहीं दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है योग लक्ष्मी अर्बन बैंक की ओर से वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे शाखा व्यवस्थापक के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। देन अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसीज है, कैशियर के लिए भी वैकेंसीज है, अकाउंटिंग एजेंट के लिए भी वैकेंसी ओपन हो चुकी है, और दोस्तों यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी दोस्तों वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली वैकेंसीज है, डायरेक्ट इंटरव्यू आपकी रहेगी 29 तारीख को 29 तारीख को सुबह 11 बजे। आपको जो एड्रेस है टोलीपुरा पुलिस स्टेशन से वर्ड नियर जिला यवतमाल, तो इस दिए गए एड्रेस पर आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो साथ में मोबाइल नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स लेकर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। तो दोस्तों अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल डेली जॉब अपडेट को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। देन दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है वर्धा सिटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट पद के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको टैली का नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद स्टोर मैनेजर के लिए दोस्तों यहाँ पे मेल फीमेल के लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके लिए आपका टैली में आपका नॉलेज होना कंपलसरी है दोस्तों। अगर आपका टैली का नॉलेज आपके पास तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद टेलीकॉलिंग के लिए दोस्तों मिनिमम 5 वैकेंसीज उन्होंने निकाले। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन चलेगा, सिर्फ आपका गुड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद RO टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 5 वैकेंसीज है। इसके लिए दोस्तों एज अ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर पाओगे। जिसके AC टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके लिए IT या पासआउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको AC टेक्नीशियन का नॉलेज होना कंपलसरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये ओरियन्यू वाटर एज टेक्नोलॉजी की ओर से वैकेंसीज है, जो कि अपोजिट गणेश मंदिर नियर मातोश्री वृद्धाश्रम सिंधी मेघे वर्धा। तो ये एड्रेस पर आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट करना है, देन उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जा पाओगे दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद विजडोम पब्लिक स्कूल की ओर से अमरावती सिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टीचर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, जो कैंडिडेट एनी ग्रेजुएट पास आउट है, साथ में आपने DEd कम्प्लीट किया हुआ है और साथ में आपको एक्सपीरियंस है इंग्लिश स्कूल का, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट टीचर के लिए दोस्तों यहाँ पे BA इंग्लिश के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, BSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, तो BSc बायो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। साथ में आपका BEd DEd कम्प्लीट होना कंपलसरी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ पे मिलने जाना है दोस्तों। देन दोस्तों उसके बाद द रेमंड शॉप की ओर से अमरावती सिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे सेल्समैन के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके लिए मिनिमम 12वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेल्समैन पर शूटिंग शटिंग के लिए दोस्तों 5 वैकेंसीज है। देन उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है। इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपने कंप्यूटर का एनी कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप इजिली अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद हेल्पर के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी है, मिनिमम 10वीं कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली जो सामरा कॉम्प्लेक्स जयस्तंभ चौक अमरावती यहाँ पर रेमंड शॉप है, यहाँ पर डायरेक्टली जाकर आप मिल सकते हैं। देन दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सिस्टर और RMO के लिए 2 पदों के लिए वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों जो सोनवने ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है वरोरा जिला भंडारा, तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मिलने जा सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों उसके बाद फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल जो कि अचलपुर जिला अमरावती के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसीज है,
एमएससी बीएड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाना होगा यहाँ पर। देन उसके बाद सहायक अधिशिक्षक के लिए दोस्ततों विज्ञान शिक्षक के लिए यहाँ पे एक वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। बीएससी बीएड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और शारीरिक शिक्षण के लिए भी दोस्तों एक वैकेंसीज है। बीपीएड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली 2 मई को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है सुबह 9 बजे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो फतिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल अजयपुर में आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका कल आज की वैकेंसी तो कैसे लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं।